फरुखाबाद में एक बार फिर बीजेपी ने सपा को दी करारी शिकस्त। जी हां, एमएलसी चुनाव में भाजपा प्रत्याशी प्रांशु दत्त द्विवेदी ने सपा प्रत्याशी को 3,482 वोटों से दी करारी शिकस्त। सपा प्रत्याशी हरीश यादव को मिले मात्र 657 वोट और मतगणना के दौरान फरुखाबाद कलेक्ट्रेट परिसर बना रहा छावनी फरुखाबाद। आपको बताते चले कि बीती 9 अप्रैल को हुए एमएलसी चुनाव के बाद मंगलवार को कलेक्ट्रेट में इटामा फरुखाबाद स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र के लिए शुरू हुई मतगणना के दौरान कलेक्ट्रेट परिसर पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। एमएलसी चुनाव की मतगणना के दौरान जिलाधिकारी संजय कुमार सिंह, एसपी अशोक कुमार मीणा ने अधीनस्थ अधिकारियों के साथ मतगणना स्थल पर पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। वहीं प्रथम चक्र की मतगणना का परिणाम सुबह 10:30 बजे आया, जिसमें भाजपा प्रत्याशी प्रांशु दत्त द्विवेदी को 1,460 मत प्राप्त हुए, जबकि सपा प्रत्याशी हरीश यादव को 208 मत प्राप्त हुए थे। वहीं दूसरी ओर निर्दलीय प्रत्याशी नरेंद्र कुमार को 11 मत प्राप्त हुए। प्रथम चक्र की मतगणना में कुल 71 मत निरस्त किए गए तथा दूसरे चरण की मतगणना 6 टेबल पर हुई, जिसमें भाजपा प्रत्याशी प्रांशु दत्त द्विवेदी को 1,428 व सपा प्रत्याशी हरीश यादव को 238 व निर्दलीय प्रत्याशी नरेंद्र सिंह को 7 मत प्राप्त हुए हैं। इस तरह से दूसरे चरण की मतगणना में भाजपा प्रत्याशी 2,482 मतों से आगे निकले और दूसरे चरण तक बीजेपी प्रत्याशी को कुल मत 2,888 मत मिले, जबकि सपा प्रत्याशी को 446 मत मिले। तीसरे चरण की मतगणना में भाजपा प्रत्याशी प्रांशु दत्त द्विवेदी ने अपने निकटतम सपा प्रत्याशी हरीश यादव को 3,482 मतों से करारी शिकस्त दी है। वहीं सपा प्रत्याशी को केवल 657 वोट ही प्राप्त हुए और एमएलसी चुनाव की मतगणना में कुल 282 मत निरस्त किए गए। एमएलसी चुनाव की मतगणना के दौरान कलेक्ट्रेट परिसर में भाजपा प्रत्याशी प्रांशु दत्त द्विवेदी के साथ मेजर सुनील दत्त द्विवेदी, सांसद मुकेश राजपूत, सुधांशु द्विवेदी, भास्कर दत्त द्विवेदी, डीएस राठौर, विश्वास गुप्ता, जिलाध्यक्ष रूपेश गुप्ता के अलावा प्रशासनिक अधिकारियों में जिलाधिकारी संजय कुमार सिंह, पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा, तमाम आला अधिकारी मौजूद रहे। मिली है, क्या व्यवस्था रहेगी फरुखाबाद की जनता के लिए और अन्य चार जनपदों के लिए? देखिए, इस क्षेत्र का हर तरह से विकास हो, फरुखाबाद के लिए विशेषकर अभी कोई एक्सप्रेसवे से नहीं जुड़ा है, तो योगी जी पहले क्या कह गए थे कि लिंक एक्सप्रेसवे देंगे, वो जल्दी से जल्दी उसका काम शुरू हो, ये सब। और पूरे क्षेत्र के लोगों का हर विषय की चिंता, प्रशासनिक चिंता, कार्यकर्ताओं की चिंता, पूरे उत्तर प्रदेश के नौजवानों को भी चूंकि उम्मीद है प्रदेश अध्यक्ष रहते, उनके भी विषयों को स्तर उठाने का मैं निश्चित। देखिए, मोदी योगी जी का नेतृत्व और कार्यकर्ताओं की मेहनत है, जिस कारण लगातार भारतीय जनता पार्टी बढ़ रही है और ये जीत भी होने को समर्थन। पार्टी ने आपको आइकॉन बनाया था युवाओं का, तो युवाओं के लिए कुछ खास आपके अंदर चल रहा हो जो आप करना चाहेंगे आगे? नहीं, निश्चित तौर पर युवाओं की हर क्षेत्र में ज्यादा ज्यादा भागीदारी हो, रोजगार के नए नए अवसर क्रिएट हो सके, हर क्षेत्र में नौजवान आगे बढ़े, उसके लिए पूरा प्रयास किया। धन्यवाद।